इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां सिवान जिले के बसंतपुर थाना अंतर्गत बबनौली में एक युवक द्वारा फायरिंग होने की सूचना बताई जा रही है। फायरिंग होने के बाद बबनौली गांव के लोग उस युवक के गांव बाजितपुर पहुंचकर उस युवक को ढूंढना शुरू कर दिए हैं। वहीं लाठी डंडे लेकर पहुंच गए गाँव के लोग। तब तक इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस गाँव पहुंचकर मामले को शांत करवाने में जुटी हुई है। मामला क्या है अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार एक गाँव के लोग दूसरे गाँव में पहुंचे हैं, किस प्रकार भीड़ उमड़ी हुई है। फिलहाल महाराजगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करने में जुटे हुए हैं। तो आपको फिर से बता दें कि बड़ी खबर सिवान जिले के बसंतपुर थाना अंतर्गत बबनौली में एक युवक द्वारा फायरिंग होने की सूचना बताई जा रही है। फायरिंग होने के बाद बबनौली गाँव के लोग उस युवक के गाँव बाजितपुर पहुंचकर उस युवक को ढूंढना शुरू कर दिए हैं। वही लाठी डंडा लेकर पहुंच गए हैं गाँव के लोग। तब तक इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस गाँव पहुंचकर मामले को शांत करवाने में जुटी हुई है। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।